नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सीएम की योगी हिल गई थी, कुर्सी चली भी गई थी, पूरी तरह से परेशान हो गए थे योगी जी। जरा क्यों, जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा से गुजर रही है। इस यात्रा में रविवार 8 जनवरी को पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर के शामिल होने को बीजेपी से ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी की नाराजगी है कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व सेनाध्यक्ष का इस यात्रा में शामिल होना सेना के वीरों का अपमान करना है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आखिर ये आदर्श सोसाइटी घोटाला क्या है जिसका भूत अभी भी जनरल कपूर का पीछा नहीं छोड़ रहा है, यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि योगी की कुर्सी कैसे खतरे में आई थी और आ सकती है। फिलहाल एक जगह जाहिर है कि इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा परिवार को हरियाणा में थी। रविवार को ये यात्रा जब करनाल के नीलोखेड़ी के इलाके दुदा से चलकर कुरुक्षेत्र पहुंची, तो इसे देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर सहित रक्षा सेवाओं से जुड़े कई रिटायर सीनियर अधिकारियों ने इनमें शिरकत की थी। अब आपको बताते हैं दरअसल कि अमित मालवीय ने क्या कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत, कपूर को अन्य सीनियर आर्मी ऑफिस के साथ आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था। जांच कमेटी की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद या कार्यालय को संभालने में वंचित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल जो है पूरा मामला क्या था वो समझिए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी 1999 के कारगिल युद्ध नायकों और युद्ध विधायकों की दक्षिण मुंबई के कोलवामा में ये तमाम चीज़ें हुई थी, जिसके वजह से जो है अब इनको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। उधर अखिलेश यादव बार बार समाजवादी पार्टी ये कह रही कि योगी की सरकार गिर जाएगी, इसलिए क्योंकि बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उनकी कुर्सी को खार फेंकेंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी का भारत जोड़ो, दूसरा तरफ समाजवादी पार्टी। क्या वाकई में योगी की कुर्सी गिर जाएगी? दर्शकों आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस दावों की सच्चाई भी जरूर बताएं। मोहम्मद आसिफ, रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़।